लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज़्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बजट की तुलना कुछ इस अंदाज में की, लेकिन पूनिया ने मीडिया के सामने बजट की बुराई करने के लिए जो उदाहरण रखा उससे वो सबके निशाने पर आ गए। एक बार फिर से सुनिए, सतीश पूनिया ने राजस्थान के बजट को बेकार बताते हुए उसकी तुलना महिलाओं से कैसे की थी। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। सतीश पूनिया का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही वो महिला आयोग के टारगेट पर आ गए। अब राज्य महिला आयोग की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सतीश पूनिया से उनके बयान पर जवाब मांगा गया है। राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेहाना रियाज ने कहा कि सतीश पूनिया ने जो टिप्पणी महिलाओं पर की है वो माफी के काबिल नहीं। ये टिप्पणी पूनिया की मानसिकता को दिखाती है कि वे किस सोच के व्यक्ति हैं। एक मुख्यमंत्री जो बजट पेश करते हैं तो उसके पक्ष में भी विपक्ष में भी कोई भी हो सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अपना विचार व्यक्त करने के लिए महिलाओं को इस्तेमाल किया गया, उनकी जो महिला को एक तरीके से इस्तेमाल ही किया गया, उनके लिए इतनी एक निम्न स्तरीय बात कही गई। राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का मानसिकता क्या है? क्या औरत भोग की वस्तु है जो आप पेश कर रहे हैं? क्या काली महिलाओं को जीने का कोई जगह नहीं है समाज में? क्या उसको पार्लर में भेज करके सजा करके पेश करना एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की एक पढ़ेली के अध्यक्ष से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं है। बहुत अपमानित महसूस करती हूं इस तरह की बातें सुनकर के, कतई अच्छा नहीं लगा है। महिलाओं पर सतीश पूनिया से पहले डोटासरा और कई कांग्रेस नेता भी विवादित बयान दे चुके हैं, तब भी हो हल्ला हुआ था, लेकिन पूनिया के मामले में महिला आयोग की एंट्री से अब बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि हाल ही में सियासी नियुक्तियों में गहलोत ने रेहाना रियाज को जो इनाम दिया है वो उसी का हक अदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।